दोस्तों, मेरे पास ये सैमसंग का 1 टन AC है जिसकी आज मैं सर्विसिंग करने वाला हूँ। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इस कोरोना टाइम में किसी को घर में बुलाना कितना अनसेफ हो सकता है, तो हम बिना कुछ 1 रुपये वेस्ट किए हुए फ्री में आसानी से अपने घर में अपने AC को सर्विस कर सकते हैं। ये एक बेसिक सर्विस है। अगर आपके AC में कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो तो आपको सर्विस वाले को बुलाना पड़ता है, लेकिन जो बेसिक सर्विस होती है, जो नॉर्मली सर्विस सेंटर वाला करते हैं, वो हम आसानी से घर में ही कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगा जिससे आपके AC की कूलिंग कभी कम नहीं होगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि ये AC सर्विसिंग की एक भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमको अपने जो AC है, इसका मेन पावर है, उसको निकाल देना है। हमको इसके फ्रंट पैनल को खोलना है। फ्रंट पैनल को खोलना बहुत ही आसान है। ओपन करने के लिए इसमें साइड में 2 क्लिप दिए होते हैं। इस क्लिप को खोलने के लिए आपको अपने दोनों हाथ का यूज़ करना पड़ेगा। जब आप थोड़ा सा अपनी तरफ खींचोगे तो ये आसानी से खुल जाएगा। मेरे AC में ये पूरा फ्रंट पैनल आराम से खुल जाता है। इसके अंदर 2 एयर फिल्टर होते हैं। मेरे AC में इसके एयर फिल्टर दोनों कवर में ही लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो एयर फिल्टर है कितने गंदे हो रखे हैं, और इनको हमको सिंपल जो टैप वाटर होता है उससे साफ़ करना है। ठीक है, इसको हम साफ़ करेंगे तो आसानी से साफ़ हो जाएगा, उसके बाद इसको वापस लगा देंगे। और हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको एक टिप के बारे में बताया था वो ये है कि आपको ये एयर फिल्टर हर 15 दिन में साफ़ करना चाहिए। अगर हम इसको हर 15 दिन में साफ़ नहीं करेंगे तो ये जो इसमें डस्ट है, ये AC फिन में चला जाएगा, और जिसकी वजह से AC की कूलिंग धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आपको हर 15 दिन में कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका एयर फिल्टर साफ़ करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने इसमें। हमको इसका AC फिन साफ़ करना पड़ेगा। मेरा ये जो इंडोर यूनिट है वैसे थोड़ा साफ़ ही है, फिर भी आपको बता दूँ कि साफ़ कैसे करना है इसको। इसको साफ़ करने के लिए आपको या तो टूथब्रश भी ले सकते हैं, और ये मेरे पास एक ब्रश है, इससे साफ़ कर रहा हूँ मैं। इसका जो ये फिन है, इसमें आपको नीचे की तरफ करना है ताकि इसका ये जो AC फिन है वो ख़राब ना हो। जो ये AC फिन होता है ये ख़राब नहीं होना चाहिए, तो हमको इसमें सीधा सीधा नीचे की तरफ करना पड़ेगा, जितना भी डस्ट है वो क्लीन हो जाएगा। जो ये AC सर्विस वाले आते हैं वो भी यही काम करते हैं, तो फालतू में उनको ये पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से अपने घर में ही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा, इसके बाद फिर ये देखिए, ये रहा एयर फिल्टर कितना गंदा है। इसको साफ़ करने का तरीका सिंपल है। इसको आप डायरेक्ट टैप वाटर में डाल के साफ कर सकते हो। आपको कोई भी सर्फ वर्फ लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पानी में आप साफ़ कर सकते हैं इसको। मेरे AC का ये एयर फिल्टर ज़्यादा गंदा नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्टली जो मेरे पास ब्रश है उसे साफ़ कर रहा हूँ। बस दोस्तों, हो गया। 10 मिनट का काम होता है ये। मेरे हिसाब से 10 मिनट भी नहीं लगेगा आपको साफ़ करने के लिए। इंडोर यूनिट को साफ़ करने के बाद बारी आती है आउटडोर यूनिट की। वो भी आपका 5 मिनट का काम है। 5 मिनट में आपका पूरा का पूरा आउटडोर यूनिट साफ़ हो जाएगा। ये मैंने अपनी बालकनी में लगा रखा है। इसमें क्या है, आपको पाइप से पानी मारना पड़ेगा। आपको जो पीछे की तरफ इसमें जो इसके फिन है, AC फिन है, उसमें आपको पानी मारना है ताकि इसमें जो गंदगी है वो पूरी साफ़ हो जाए। देखिए ये कितना गंदा हो रहा है। ये पानी से प्रेशर मार के पूरा साफ़ कर देंगे, ताकि क्या है कि जो भी आउटडोर यूनिट में गंदगी बैठी होगी वो आसानी से निकल जाएगी। इस AC फिन में तब तक पानी मारना है आपको जब तक इसमें जो नीचे छेद हैं यहाँ से साफ पानी ना निकलने लग जाए। ये सब होने के आधे घंटे बाद आपको अपना AC ऑन करना है। दोस्तों, तो आपने देखा कि मैंने कितना आसानी से पूरा AC की सर्विसिंग कर दी है। तो आप भी आसानी से अपने AC की सर्विसिंग घर बैठे ही कर सकते हैं। किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10 मिनट में आपकी AC की सर्विस पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके लिए जो AC वाले हैं आपसे 700 से 800 रुपये ले लेते हैं। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय।